वहीं सीएम योगी के भेड़िया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक माफिया का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, जवाब दिया है सीएम योगी के भेड़िया वाले बयान पर। उन्होंने कहा है कि जहां तक माफिया का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे, कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। दरअसल अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर विवादित बयान दिया था, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हर किसी के हाथ में बुलडोजर फिट नहीं बैठता। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि 2027 में सरकार बदलेगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, और उसी बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बुलडोजर वाले बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदले की कार्रवाई के लिए बुलडोजर चलवा रही है, यही वजह है कि कोर्ट उस पर सवाल खड़े कर रहा है। बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाया, जिसका परिणाम यह है कि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टेयरिंग होता है उसमें, स्टेयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टेयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टेयरिंग बदल दें?